ये देखें जी गाइस, इस तरफ ये आ गया जी हमारा मेन एंट्रेंस गेट। इसी गेट से मैं एंटर हुआ था। तो ये साथ ही आपको जो है इस यूनिवर्सिटी का नेम और इसका ये आपको लोगो भी दिखाते हैं। ये देखें गाइस, इसके साथ ही जो है ना फुटबॉल और एक दूसरा बड़े वाला प्लेइंग ग्राउंड है, उसका भी हम विज़िट करते हैं। ये देखें, अभी हम जा रहे हैं ग्राउंड्स की तरफ, प्लेइंग ग्राउंड्स इसके हैं तो। लेकिन ये बारिश देख सकते हैं आप, हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है। तो ये देख सकते हैं कुछ चाइनीज़ ने छाते वगैरह भी यूज़ करने स्टार्ट कर दिए हैं। मैं प्लेइंग ग्राउंड की तरफ आ गया हूँ, ये आप मेरे बैग पे भी देख सकते हैं, आपको ये प्लेइंग ग्राउंड दिखाई दे रहा होगा। ये देखें गाइस, तो आएँ यहाँ भी ये सीढ़ियाँ, तो नीचे चलते हैं और आपको भी इसका व्यू दिखाते हैं। ये देखें गाइस, सिर्फ और सिर्फ वन चाइनीज़ ही आपको दिखाई दे रहा है, वो भी शायद जाने वाला है चूँकि बारिश स्टार्ट हो गई है। ये आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी चूँकि पुरानी है, ये आप देखें, ये देखें, हेलो हेलो हेलो, ये देखें। तो ये देख सकते हैं आप, ये जी बेखवा यूनिवर्सिटी का प्लेइंग ग्राउंड है। ये देखें गाइस आप, ये आप देख सकते हैं। तो बारिश तेज़ स्टार्ट होने वाली है, तो अब हम चलते हैं इसका जो दूसरा फुटबॉल ग्राउंड है उसकी तरफ भी हम चलते हैं। ये एक और बाइक दिखाई दे रहा होगा आपको, दौड़ लगा रहा है यहाँ पे। तो अभी हम इसके फुटबॉल ग्राउंड की तरफ चलेंगे और वहाँ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो डॉर्मेट्री है वहाँ तक जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, और क्लासेस का भी अभी हमने विज़िट करना है थोड़ा सा। ये देखें गाइस, ये फुटबॉल ग्राउंड है, ये देखें आप, ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स खेल रहे हैं। ये देखें, और जितना ये वाला प्लेइंग ग्राउंड है वॉक करने के लिए या वैसे क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए, और उसी तरह से ये भी उतना ही बड़ा ग्राउंड है। ये देखें, चाइनीज़ स्टूडेंट्स खेल रहे हैं। तो यहाँ पे मोस्टली जो मौसम है ना, जैसा कि आपने ये अंदाज़ा कर लिया होगा कि पहले कुछ आधा घंटा पहले धूप थी और अभी साथ ही जो है बारिश स्टार्ट हो गई है। ये देखें आप, यहाँ पर दो तीन प्लेइंग ग्राउंड है, एक वो पहले वाला था, एक साथ ये है, देखें काफ़ी बड़ा है, और उसके साथ ही एक ये भी है, ये भी वो दूर तक है। और ये जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये बेहुआ कंजर्वेटरी ऑफ म्यूज़िक की बिल्डिंग है, यहाँ पर म्यूज़िक की क्लासेस होती हैं। तो आए चलते हैं, विज़िट करते हैं, अगर तो उन्होंने एंटर होने दिया तो ठीक है, अगर ना होने दिया तो वैसे ही देख के वापस आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये देखें गाइस, ये भी एक बिल्डिंग है, इसी में भी किसी की क्लासेस होती हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये उसका एंट्री गेट है, यहाँ से एंटर हो सकते हैं हम। तो पता नहीं अभी एंटर होने भी देंगे कि नहीं, मेरे ख्याल से वो अंदर एंटर नहीं होने देंगे क्योंकि मैं यहाँ का स्टूडेंट भी नहीं हूँ। बाकी आपको ये हल्की हल्की साउंड आ रही होगी, तो चलें चलते हैं बिना वक्त ज़ाया किए हम अपनी डॉर्मेट्री की तरफ, और उसके साथ ही जो है हम क्लासेस वगैरह का विज़िट करते हैं। ये देखें, यहाँ से आपको साउंड वगैरह आ रही होगी। यहाँ पर चाइनीज़ स्टूडेंट्स की क्लासेस होती हैं, उसकी ये बेसमेंट है, ये आप देख सकते हैं, कुछ चाइनीज़ स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखें गाइस, अभी हम ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के तो इन बिल्डिंग्स का विज़िट करेंगे। इन्हीं बिल्डिंग्स में जो है ना, वो जो सामने वाली आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, तो इसमें जो है एनाटॉमी की क्लासेस होती हैं, ये मेरे दोस्त ने मुझे बताया था। ये ऊपर ये लाइब्रेरी है, तो चलें आपको दिखाते हैं। तो ये जो है ना, मेरा दोस्त मुझे बता रहा था कि बड़ा प्यारा पहले व्यू हुआ करता था मेरे ख्याल से, जब स्प्रिंग आएगा ना तो फिर से ये इसमें जो है ना पानी फिल करके, तो ये एक बड़ा जो है ना यहाँ पे वाटर का बड़ा ही प्यारा एक व्यू होता है, लेक व्यू एक तरह का यहाँ पे ना दिखाई देता है। तो अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, ये आप देख सकते हैं ड्राई हो गया हुआ है वाटर जो भी था। तो अभी हम ऊपर चढ़ते हैं और आपको ये विज़िट करवाते हैं।